सर, जिस तरह से इतने सियासी ड्रामे के बाद आज फाइनली अर्णव गोस्वामी को बेल मिली, क्या कहना है? भैया, अर्णव गोस्वामी का अधिकार था ये बेल मिलना। पहले तो केस ही नहीं होना चाहिए, तो केस ही गैर कानूनी है। उसको पकड़ के लेके 5 मई 2018 को अलीबाग के अंदर एक बंदे की आत्महत्या का केस उसके ऊपर FIR करके लगाया गया। उसके बाद उसे इन्होंने दोबारा खोला उसको। अर्णव गोस्वामी का क्या गुनाह था? पालघर की आवाज़ उठाई, सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ उठाई, दिशा सालियान की आवाज़ उठाई, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में 2011 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले को लेकर सवाल किया, किसी पत्रकार ने नहीं किया था। आपको बता दूं, मैं अर्णव गोस्वामी बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। मैंने अर्णव गोस्वामी को, उसके पिताजी आर्मी के कर्नल के बेटे, मैंने अर्णव गोस्वामी को उसके पिताजी का फ्रेम बना के दिया था 9 फरवरी 2019 को, क्योंकि नवंबर 2018 में उसके पिताजी की डेथ हुई थी कर्नल साहब की। तो मैं इसे गले लगे, इतने इमोशनल हो गए। अर्णव क्या है? देखिए, अर्णव गोस्वामी जी ने 6 मई 2017 को ये चैनल स्टार्ट किया रिपब्लिक इंग्लिश का, TRP में पहले हफ्ते में नंबर 1। 29 जनवरी को इसी साल हिंदी वाला रिपब्लिक शुरू किया, TRP में पहले हफ्ते में नंबर 1। लंदन के अंदर मीडिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ, उसके अंदर पूरी मीडिया को डिफेंड किया। किकु शारदा जो उसका मजाक उड़ाता था कपिल शर्मा शो के अंदर, उस किकु शारदा को हरियाणा की पुलिस अरेस्ट करके ले गई, उसके लिए भी अर्णव गोस्वामी स्टैंड लिया। और बाबा राम रहीम सिंह की FIR पे वो उसे किकु शारदा अरेस्ट हुआ था, तो बाबा राम रहीम सिंह के एक सदस्य को चैनल में बुला करके लताड़ लगाई, ना डरे थे ना झुके थे। अरे, अर्णव गोस्वामी इस देश के पत्रकारों की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, वॉइस है, वॉइस ऑफ इंडिया है, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है। अरे, ऐसे भारत के सच्चे देशभक्त को तो भारत के अंदर अवार्ड मिलना चाहिए, दिलों में जगह पा चुके हैं। हिंदुस्तान वो मुल्क है, हिंदुस्तान वो मुल्क है, कहते हैं मेरे भैया कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मनोज कुमार ने लंदन के अंदर 1975 में फिल्म पूर्व पश्चिम के अंदर ये सॉन्ग था। याद करो, याद करो, याद करो, सलमान खान को एक ही दिन में बेल हुई। भारत का सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी याकूब मेमन के लिए खुला, 31 जुलाई 2015 को उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के फांसी दी, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का गुंडा था। इसी तरीके से ये जो है, जिस जेल में इस अर्णव को भेजा गया, इनको जरा कोई ये पूछे महाराष्ट्र सरकार को, उस जेल के अंदर कैसे कैसे लोग बनते? उस जेल के अंदर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लोग बनते, अरुण गवली के गैंग के लोग बनते, सिमी के लोग बनते, इंडियन मुजाहिदीन के लोग बनते। अबू सलेम को इसी जेल के अंदर 27 जून 2013 को जानलेवा हमला हुआ, फिर भी तुमने कॉग्निजेंस नहीं लिया, कहाँ थे? क्या सर, इसके पीछे क्या, इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की साजिश थी कि इससे दुर्दांत आतंकवादियों के बीच में उनको रखा गया था? कितनी साजिशें करोगे, कब तक करोगे? अरे, किस्मत दम है जो अर्णव को जेल में रख ले। शेर कभी जेलों में बंद नहीं हुए, शेरों के लिए पिंजरे नहीं बनते, पिंजरे तो छोटे मोटे पंछियों के लिए बना करते हैं। एक जावेद अख्तर का सॉन्ग था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए है, सोचो क्या पाया तुमने और मैंने इंसान होके। तो न्याय की आवाज़, ये इंटरनेट पे चलते हैं सारे चैनल्स, ये इनको कोई सरहद नहीं रोक पाती, ये सारी दुनिया में चलते हैं, सरहद नहीं बनी इनके लिए। अरे, कहते हैं वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊँगा, वो कहते हैं मैं टूट कर बिखर जाऊँगा, अब मुझे यकीन है मैं और निखर जाऊँगा। ये कह रहे थे आर्टिकल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि आर्टिकल 439 के तहत आप सेशन कोर्ट में जाइए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 439 नहीं चलेगा इसमें। ये क्या है, ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर कोई, आप किसी को भी कोई केस निकाल करके अंदर कर दोगे? आप दादागिरी है किसी की? संविधान से देश चलेगा या केस निकाल करके देश चलेगा? हर आदमी पे कोई ना कोई केस लगा होता, सबको जेल में भरोगे आप, ब्रिटिश टाइम लाओगे? और प्रीति भंडारी को क्या बोल रहे थे ये लोग, मुंबई पुलिस के लोग? ये कह रहे थे कि भाई तेरा बॉस मान नहीं रहा, मान जाएगा तो कुछ नहीं कहेंगे उसको। अच्छा भाई, तो ये बात थी ना, वो तो बेचारे के पास कैमरा नहीं था, रिकॉर्ड करके सुना भी देता तुमको। वहाँ खड़े रहते हैं वहाँ पे, हम तो न्याय करते हैं। न्याय है या अन्याय है? अगर ये न्याय है तो अन्याय किसे कहते हैं? और ये जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है, अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए जो साजिश रची जा रही थी, मैंने उसके खुलासे 20 अगस्त को एक अपने एक इंटरव्यू में कर दिया था कि उनको इस केस में फंसाया जाएगा। चलिए, आज जस्टिस के लिए आऊँ, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, मोटी मोटी बात कह देना चाहता हूँ। व्यूवर्स, याद रखिए, कोई हमारी आवाज़ को आज तक दबा नहीं पाया है। सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, वो था ना कि जिस गूंज सुनी तुमने इस थप्पड़ की, कर्मा फिल्म के अंदर था।
ये वो थप्पड़ लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुनी इस थप्पड़ की गूंज तुमने? चाहता हूँ हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया में सबसे अधिक है, आवाज़ दबाओगे, गला दबाओगे सच का? क्या गुनाह उस बंदे का बताइए, अर्णब गोस्वामी का, रिपब्लिक टीवी का क्या गुनाह है? सारे मिलके एक हो गए हैं, कहते हैं गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, गर्दिशों में कहते हैं कि वे हार करके भी बुलंदियों पर हैं और हम जीत करके भी गर्दिशों में हैं। ये नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कुछ भी कह सकते हैं, जबरदस्ती आप जेल में नहीं ठूक सकते हमको, ये जेल बेल ये नहीं चलेगा हमारे साथ में, ये खेल नहीं चलते। मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की सरकार होश में आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट से फजीहत कब तक करवाओगे? जंतर मंतर पर खड़े होकर के हम ये आवाज़ दे रहे हैं, यहाँ देश के बड़े बड़े फैसले हुए जंतर मंतर पे, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, यहाँ आंदोलन हमें यहाँ पे आना पड़ा, ठीक है ना? अब क्यों आना पड़ा? क्योंकि लोगों की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ को हमें नहीं दबने देना है। और हम कह रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार, इस देश में तो बहुत सरकारें हैं, अरे तुमको स्पेशल हो क्या? मुंबई से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करो, बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करवाने वाले शरद पवार के साथ तुमने गठबंधन किया, 1992 में आर्टिकल लिखा था बाला साहब ठाकरे ने, उसके लिए सन 2000 में अरेस्ट करवाया था बाला साहब ठाकरे को शरद पवार ने, उसी से गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन है, ठगबंधन है, क्या कौन सा बंधन है ये? ये बंधन तो प्यार का बंधन, हमने तो इतना ही सुना था, तुम तो उससे भी आगे निकल गए, कैसे कैसे बंधनों में, अरे कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी तू लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को यार, क्या क्या कैसे कैसे को पावर मिली हुई यार, बताइए आप मुझे। परमवीर सिंह कुछ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, एक कह रहा मनवा मलिक मुझे तो ऐसा लगता है सुसाइड कर लेगा, अच्छा सपने में भी सुसाइड आता है तुम्हारा है? ये क्या मतलब जो है इनका, कहाँ दिमाग गया यार, क्या चीज़ है? संविधान को जैसे वो था ना, एक आकाशवाणी होती थी उसके अंदर तकदीर वाला के अंदर कहता था ए मनुष्य हिमक्रीम, जो उसके अंदर वो जो भविष्यवाणी गिरती है और धरती पर आ जाती है, यम है हम है यम, वो तो यम है हम बन रहे थे भाई साहब, वो यम है हम बन रहे थे, वो कादर खान उसके अंदर थे ना तकदीर वाला के अंदर, वही सुना रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया देखो क्या है ना चौरसिया साहब वो तो नवाब मलिक तो ये कह रहा था यम है हम, तो उन पुलिस वालों को लगता है उस फिल्म के अंदर, अरे ये कोई जो है किसी रामलीला में काम करता होगा तो उसे अंदर ले जाके बंद कर देते हैं तकदीर वाला के अंदर। तो मुझे लगता है इस नवाब मलिक को भी इसी तरीके से ना जो है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यही करा यम है हम, ठीक है, तो वो तकदीर वाला वो फिल्म वाला चल नहीं चलेगा। और वो तो क्या है ना, देखो और भी बहुत सारी चीज़ें, चेहरा छुपाना भारी पड़ जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, ड्रग्स लिखा है, कास्टिंग काउच लिखा है, उमंगें लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है, कहीं हाले दिल भी सुनाता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है बेटा, पता लग जाएगा, न्याय होगा इस देश के अंदर, अन्याय नहीं होने देंगे, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से, आओ आ जाओ, आ गई कौन सीबीआई एनसीबी चली गई वहाँ पे, तीनों एक साथ ईडी एनसीबी सीबीआई, अनहोनी को होनी कर दे, अनहोनी को अनहोनी एक जगह जमा हो, तीनों कौन सीबीआई ईडी एनसीबी अमर अकबर एंथोनी, समझ रही बात को? चलिए थोड़ा मेरे डायलॉग और शायरी चलती रहेगी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, डरिए मत, डर के आगे जीत है और जीत के आगे डर है, डरिए मत। ये वोरा कमेटी अंडरवर्ल्ड के जो रिश्ते थे पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के, उसके बारे में बनी थी 93 के बम ब्लास्ट के बाद में, एनएन वोरा एक्शन तो भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके 20 पेज पब्लिक हुए हैं, बाकी पेज पब्लिक करने पड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जाता हूं, उसको एक्सपोज की जानी चाहिए उसकी कमेटी की रिपोर्ट, और भारत के लोगों को पता लगना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और कबीरा खड़ा बाजार में, और सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।